हरे कृष्णा राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको पितृ दोष निवारण के कुछ सामान्य उपाय बताए थे जो हर किसी को करते ही रहना चाहिए। यहाँ इस वीडियो में आपको 5 विशेष उपाय बता रही हूँ जिसका फल आपको तुरंत मिलेगा। पहला उपाय है, यदि कुंडली में प्रबल पितृ दोष हो तो पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण मात्र करने से ही पितृ प्रसन्न होते हैं, वे हमारे घरों में आते हैं और हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि कुंडली में पितृ दोष हो तो इन 16 दिनों में 3 बार एक उपाय करिए जो भी बता रही हूँ आपको। 16 बताशे लीजिए, उन पर दही रखिए और पीपल के वृक्ष पर रखाइए, इससे पितृ दोष में राहत मिलेगी। ये उपाय पितृ पक्ष में कम से कम 3 बार करना ही करना है। दूसरा उपाय है, सूर्य हमारे पिता है इसलिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ देकर 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है और उन्हें गति मिलती है। तीसरा उपाय है, पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक, मतलब 1 महीने तक, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्य उदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, पूरे 1 महीने। चौथा उपाय है, 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक उपाय और करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें, उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डालें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की प्रार्थना करें। घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन दें, ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाता है। पांचवा उपाय है, पितृदोष दूर करने का सबसे सरल उपाय, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कोण में रोज सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक जलाना चाहिए। ये कार्य पूरे पितृ पक्ष के 16 दिनों में करें, किसी दिन भी छोड़े नहीं, इसका फल आपको तुरंत दिखेगा। याद रखें, दिया पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा है, दीपक कम से कम 10 मिनट तो जलना ही चाहिए। लाभ प्राप्ति के लिए उपाय है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये 5 उपाय ऐसे हैं जो पितृ दोष निवारण में तुरंत प्रभावी रूप से काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।